जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए 8 नवंबर 2020 का बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को इस प्रकार सब्सक्राइब कर लें, बाजू में दिए बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो वह चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं। 3 प्लान आपके पास उपलब्ध हैं तो 3 में से कोई सा भी प्लान आप खरीद कर चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएंगे। आपके लिए वहां पर ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाता है, जहां पर फ्री PDF आपके लिए, बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप में। तो जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो वह बन जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई है? तो किसने दिलाई है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किसको दिलाई है यह बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका यशवर्धन कुमार सिन्हा। जी हाँ दोस्तों, यशवर्धन कुमार सिन्हा जी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए क्या है कि भारत की विदिशा मेहत्रा को संयुक्त राष्ट्र में किसके लिए चुना गया है? तो भारत की विदिशा मेहत्रा जी को किसके लिए संयुक्त राष्ट्र में किसके लिए चुना गया है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर है अपना 2 और इसका सही आंसर है आपका यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति और प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों के लिए इनको चुना गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर अपना 3 है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसको चुना गया है बताइए। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 3 और क्या होगा इसका राइट आंसर, 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? और वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, आखिरी में आपके लिए एक चैलेंज प्रश्न दिया जाता है जिसका आंसर आपके लिए कमेंट में बताना होता है। जो भी विस्तृत कमेंट लिखता है उसका कमेंट अगले वीडियो में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर एक जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है ज्ञानेंद्रो जी, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 30 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड कितने डॉलर पर पहुंच गया है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 4 तो क्या होगा इसका राइट आंसर, 30 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड कितने डॉलर पर पहुंच गया है? तो आपका सही आंसर होगा 560 अरब डॉलर। जी हाँ दोस्तों, 560 अरब डॉलर पर आपका यहाँ पर राइट आंसर है, यहाँ पर विकल्प नहीं दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 अपना क्या है, मुंबई लिट फेस्ट 2020 का पोएट लॉरेट सम्मान किसे देने की घोषणा की गई है? क्वेश्चन नंबर 5 है अपना यहाँ पर, तो किसे देने की घोषणा की गई है मुंबई लिट फेस्ट 2020 का पोएट लॉरेट सम्मान? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है जावेद अख्तर। जी हाँ दोस्तों, जावेद अख्तर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्या है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन, नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने किसे भुगतान करने की मंजूरी प्रदान कर दी है? तो नेशनल क्वेश्चन नंबर 6 अपना, नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किसे भुगतान करने की मंजूरी प्रदान कर दी है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है व्हाट्सएप ऐप, आपका यहाँ पर राइट आंसर है यहाँ पर व्हाट्सएप। देखिए अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि भारत और इटली के बीच आभासीय द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच 2020 से 2025 तक के एक्शन प्लान के लिए कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो यहाँ पर बताना कि कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं भारत और इटली के बीच आवासीय द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में। दोनों देशों ने वर्ष 2020 से 25 तक के एक्शन प्लान के लिए कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो 15 समझौते पर यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए हैं दोनों देशों के बीच। अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? तो क्वेश्चन नंबर 8 है अपना यहाँ पर, क्या होगा इसका राइट आंसर, भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा
कि 84,62,081, 84,62,081 जो है आपका राइट आंसर संक्रमितों की संख्या हो गई है। और यहाँ पर जो कोरोना से मृत्यु हुई है वह कितनी हुई है, 1,25,562 लोगों की मौतें हो गई हैं कोरोना वायरस के कारण। अगला क्वेश्चन है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है अपना। यहाँ पर देखिए, रमेश लक्ष्मी नारायण को किस बैंक का मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है, किसको किया गया है, रमेश लक्ष्मी नारायण जी को तो किस बैंक का सूचना अधिकारी, मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है HDFC। जी हाँ, HDFC बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कौन किए गए हैं, रमेश लक्ष्मी नारायण जी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि 7 नवंबर, 7 नवंबर के देश 7 नवंबर को देश भर में किस दिन के रूप में मनाया जाता है, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर है अपना 10, और 10 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, 7 नवंबर को विश्व देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह बताना है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में कब मनाते हैं, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है। तो 7 नवंबर आपका यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए, 7 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में। ये है आपका पिछले वीडियो का चैलेंज प्रश्न, क्या है कि तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर लिखा था कि तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर था वह क्या था, दूसरा। जी हाँ दोस्तों, दूसरा आपका यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर चीन प्रतिवर्ष, चीन को याद रखना, जो चीन है, चीन प्रतिवर्ष 28,06,770 टन उत्पादन मात्रा के साथ दुनिया में सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है, कौन, चीन। और उसके बाद भारत 7,61,318 टन वार्षिक उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर भारत आता है। तो इस प्रकार आपका जो दूसरा था, विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर है, दूसरे स्थान पर भारत है तंबाकू के उत्पादन में विश्व भर में। पहले स्थान पर कौन सा है, चीन है। अब आती है आपकी बारी, ये है आपका चैलेंज प्रश्न, क्या है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, जिससे भी आंसर बनता है तो वह विस्तृत लिखें, आपका कमेंट अगले वीडियो में शामिल किया जाएगा, नाम लिया जाएगा आपका। तो क्या है इसका सही आंसर, कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है अति चराई द्वारा, या वनस्पति उन्मूलन द्वारा, वन रोपण द्वारा, या पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा। तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं, जिससे भी आंसर बनता है तो कमेंट में लिखें, विस्तृत लिखें। और आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। और अगर आप चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो आप चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं, आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं। यहाँ पर आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो 3 प्लान आपके पास आएंगे, एक है सिल्वर प्लान, एक गोल्ड प्लान और एक डायमंड प्लान। तो इन 3 प्लान में से जौन सा भी आप प्लान खरीदना चाहते हैं तो वह प्लान खरीद कर आप चैनल के जो है ज्वाइन मेंबर बन जाएंगे। आपके लिए क्या है, यहाँ पर आपको व्हाट्सअप ज्वाइन व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, वहां पर आपके लिए फ्री PDF उपलब्ध कराई जाती है और बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी आपके लिए ज्वाइन व्हाट्सअप ग्रुप में आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है। तो जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो वह चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी लोगों के लिए धन्यवाद, जय हिंद।